क्यों नहीं चालू? इतना काप क्यों रहा है? हमारी हालात पर आंसू तो आते हैं, पर उन आंसुओं के बूंद से लग जाए ना ठंड, इसलिए रोते नहीं हैं। और ठंड का आलम ये है कि सुबह सुबह निपटाने के बाद धोते नहीं हैं। अब समझ में आया कि ये अंग्रेज लोग टिश्यू पेपर क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वो सब छोड़, लेकिन तू इधर क्यों बैठा है? ना मेरे दिल में कोई है, ना खोए हैं हम किसी के प्यार में, और मौसम का आलम ये है कि बैठे हैं धूप निकलने के इंतजार में। ओहो, जुबान तो जनाब का बराबर चल रहा है, दिमाग नहीं चलता है क्या? अबे ठंड में ठंड से बचने के लिए ठंड वाला कपड़ा पहनो, लफड़ा ही खत्म। आज तक ना जाने कितनों का पुआल जलाया है ठंड में हाथ सेकने के लिए, पर किसी ने पकड़ा नहीं है। और गरीबी बेरोजगारी का आलम ये है कि ठंड के लिए कपड़ा नहीं है। अरे नहीं है तो ले लो कपड़ा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए कुछ नहीं है जिसका कुबेर के खजाने में हाथ है, जेब में जहर खाने को पैसा नहीं है, और कपड़ा खरीदना तो दूर की बात है। अरे तो खरीदने को कौन बोल रहा है, मैंने भी कहाँ खरीदा, लेकिन मेरे पास अभी स्वेटर जैकेट चादर बिछावन सब कुछ है। अरे बात को यूं नेताओं की तरह मत घुमाओ, और बिना खरीदे सारी चीजें आ जाए ऐसा स्कीम हमें भी बताओ। अरे इसमें स्कीम की कोई बात नहीं है, बस ठंड में शादी करो, रजाई तकिया जाजिम बिछावन यहाँ तक कि हीटर भी मिल सकता है, बस इसके लिए तुम्हें ठंड में शादी करना होगा। वाह क्या बात बताई तुमने, अब यूं ना जवानी बर्बादी करेंगे, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आज ही शादी करेंगे। आज शादी करेगा, कुछ जल्दी नहीं हो रहा है? वैसे तो हम सुपर फास्ट इंसान है, पर घर वाले कोई काम बता दे तो उस पे आलस आएगा। और मेरे भाई तू बस ये बता कि आज कैसे शादी हो पाएगा। अरे जितना जल्दी बस में सीट खाली नहीं मिलता उतना जल्दी घरवाली ढूंढ रहा है। अभी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, हाँ लेकिन आइडिया दे सकता हूँ, तू ऑनलाइन ट्राई कर, शायद कुछ जल्दी हो जाए। अरे अगर आज हो गई शादी तो हम फोन करके थैंक यू बोल देंगे, और तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हें खुद खुश होकर तकिया का खोल देंगे। अच्छा ठीक है चलता हूँ, शादी में मुझे भी बुलाना। नमस्कार सर, lugai.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देश में आबादी करना है, मम्मी को दादी करना है, जैसा भी हो सहायता करिए, अब हमको शादी करना है। हाँ सर जरूर, लेकिन पहले आप अपने बारे में तो बताइए। कोई ठंड हाथ से छूता है तो उस पर हम बवाल करते हैं, इस मौसम में चुल्लू भर पानी भी गर्म करके इस्तेमाल करते हैं, और वैसे तो हम करते हैं करोड़ों में बात जब फेंकने का शुरुआत करते हैं। अरे सर मतलब आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं? नाम चालू है, दिखने में नहीं कालू है, ठंड में बैठकर मस्त रात दिन बेकार करते हैं, और गर्मी आते ही बर्फ बेचने वाला कारोबार करते हैं। मीन्स आप आइसक्रीम बेचते हैं और ठंडी में खाली बैठते हो इसलिए आपको शादी करना है? वैसे तो बात कुछ और है, आपको जो समझना है समझ जाइए, पर बात आगे बढ़ाइए, जैसे भी हो मेरा शादी कराइए। ओहो बहुत जल्दबाजी लग रही है, वैसे आप शादी कब करना चाहेंगे? उड़ती हुई तीर हवाओं में पकड़ना चाहेंगे, और दिन क्या देखना, हम आज ही शादी करना चाहेंगे। क्या इतनी जल्दी? सर ये संभव नहीं है। हम तो सिर्फ दूसरे के बारात जाते हैं नाश्ते के चक्कर में, इसलिए शादी का अनुभव नहीं है, और आप तो एक्सपर्ट है, और आप ही कह रही हैं कि संभव नहीं है। अरे सर एक दिन में शादी कैसे संभव हो सकता है, कुछ तो टाइम दीजिए ना। जब जोरों की ना लगी रहती तो सुलभ शौचालय जाते क्यों, और जब हमारे पास समय होता तो ऑनलाइन दरवाजा खटखटाते क्यों? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतना जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं? अरे उड़ाते इतना है कि कर्ज हो जाता है कमाने से पहले, और हम तो शादी करना चाहते हैं ठंड निकल जाने से पहले। ओह ऐसी बात है, लेकिन एकाएक ऐसा ख्याल आया कैसे?
सर्दी से पूरा सिस्टम कांप रहा था, तभी मेरा एक दोस्त आया है और शादी करने से ठंड भगाने वाली सारी चीजें मिल जाती है ऐसा बताया है। तो मतलब आपको कंबल, रजाई, स्वेटर, जैकेट इन चीजों की जरूरत है, इसलिए आप शादी करना चाहते है? वो खांसी का दवा खाता रहा पर जिंदगी निकल गया बीड़ी में, और हमें जैकेट, कंबल, चादर तो चाहिए लेकिन फ्री में। तो आपको चादर, कंबल फ्री में चाहिए इसलिए आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी में भी तो पैसा खर्च होगा ही ना। अरे आप एक दिन में शादी कराकर अपने कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, और फ्री में कैसे शादी करना है ये हम पे छोड़ दीजिए। वाह, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, लेकिन फ्री में कैसे शादी करेंगे आप जरा हमें भी बताइए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरा पैसा बचा लेंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे वीडियो कॉल पे, और पंडित जी को यूट्यूब पे चला के शादी रचा लेंगे। वाह, क्या खतरनाक कंजूस आइडिया है, पर आपको थोड़ा सा तो समय देना होगा कि आपके लेवल का खतरनाक कंजूस रिश्तेदार ढूंढूं, लेकिन जो उस लेवल का कंजूस होगा वो कंबल, रजाई, स्वेटर तो दूर की बात है, तकिए का कवर भी नहीं देगा। जब प्यास ही ना बुझे तो पानी भरने का क्या फायदा, और जब कंबल, रजाई ही ना मिले तो शादी करने का क्या फायदा। तो सर आपको फ्री में कंबल, चादर, स्वेटर यही सब चाहिए ना, इसलिए शादी करने की क्या जरूरत है, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। अरे मैडम जल्दी जल्दी बताइए, हमें ऐसे ही आइडिया का तलाश था, और मेरा जो दोस्त देकर गया शादी वाला सलाह वो पूरा बकवास था। देखिए आपको रोड के किनारे जहाँ पर लोग सोते हैं ना, जिनका घर नहीं है, उनके बगल में बस जाके सोना है। सुबह जब उठोगे ना तो अपने आप पे खुद कंबल पाओगे, क्योंकि रात में गरीबों को कंबल बांटने वाले लोग जो आते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया बताया आपने, हम इसको जरूर आजमाएंगे, और अगर कंबल ज्यादा मिल गया तो एक दो आपके पास भी पहुँचाएंगे। ओके सर, धन्यवाद, अब आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अपना भी हाथ पैर चलाए, न पैसे उड़ाए बाप का, और ऐसी मस्त आइडिया देने के लिए धन्यवाद आप। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद, और हम जहाँ पे हैं वहाँ पे तो भैया पंखा चलाने की नौबत है, लेकिन यूपी, बिहार और दिल्ली जैसी बहुत सारी जगहों पे भयानक ठंड पड़ रही है देश के कोने कोने में, तो आप अपना ख्याल रखें सबसे पहले, और काफ़ी सेफ्टी के साथ रहें, और उसके बाद अपने आजू बाजू नज़र घुमाएं, आपको काफ़ी ज़रूरतमंद लोग दिख जाएंगे, उनकी आप कंबल वगैरह नया ना सही पुराने से 10-15 लोगों का नहीं सही एक ही लोगों का, लेकिन मदद करें ज़रूरतमंदों की। और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, और एक चीज़, अगर इसका BTS देखना चाहते हैं, बिहाइंड द सीन और जो भी मिस्टेक बाय मिस्टेक जो काफ़ी मज़ेदार पार्ट होता है, वो आपको हमारे Instagram पे मिलेगा, तो @funfriendindia लिंक से जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय।